Hi, good evening. So I am standing outside Symbiosis International University और ये मेरे इस टूर का आखिरी वो है. जैसा सब जानते हो, मैं गया था बॉम्बे पुणे होते हुए कोल्हापुर होते हुए, आपको सब दिखाया और अब वापस आ रहा हूँ. और रात हो गई, 7:30 बज गए हैं. और देखिए, जो सिम्बायोसिस कोहली कॉलेज खोला गया है ना, ये खोला गया है विदिन द कैंपस ऑफ सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी. और ये तो एक अलग जलवा है. तो अगर आप कोई दिल्ली के आसपास के रहने वाले हो और आपने अमेठी यूनिवर्सिटी नोएडा का जलवा देखा हो, अभी देखो बात जलवे की हो रही है, बात अभी मेडिकल एजुकेशन पर आएंगे. सो जलवा ऐसे है कि सिम्बायोसिस इज़ ए फेमस यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम चलते हैं, लोकेशन बहुत धांसू है. ये जो आप रास्ता दिख रहा है, ये देखिए सामने, ये अभी तकरीबन आधा किलोमीटर अंदर जाएंगे तो गेट आता है. मैंने पूरा चक्कर काटा. ह्यूज यूनिवर्सिटी, ह्यूज कैंपस, मौसम शानदार. ये मेरे राइट में जो सड़क आ रही है, ये कहते हैं लवाले गांव वगैरह से, पिरंगूर से आ रही है. और जो राइट में सड़क जा रही है, ये मेन बॉम्बे पुणे हाईवे को टच कर रही है. और सिर्फ आखिरी का 1.5 किलोमीटर था जो रिलेटिवली सुनसान था, रिलेटिवली. वो भी मेरे सामने बहुत बड़ी लुपिन का फैक्ट्री लग रहा है मेरे को, देखिए लुपिन लिमिटेड, तो कोई सुनसान वाली बात है ही नहीं. क्योंकि जो हम अंदर घुसा, मुझे शायद एक्चुअली लगा था, मैं झूठी बोलूँ, पहली बार मैं यहाँ पर आया हूँ, कि 7 किलोमीटर सुनसान होगा. मैं डर भी रहा था, रात हो गई है, अभी फैमिली साथ है, लेकिन एक्चुअली 1 घंटा लग गया, क्योंकि इतना जाम था. एक्चुअली ऐसा लगता है छोटी सी रोड है और बहुत सारे उसमें बसावट हो गई है. 10-12 बड़ी बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आई, दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स, पिज़्ज़ा हट, डोमिनोज, एक्सेट्रा. पहले 4-5 किलोमीटर की मैं बात कर रहा हूँ. फिर मैंने कहा हमने टर्न लिया, और टर्न लेने के बाद ये आखिरी का 1.5-2 किलोमीटर था जो कि सिम्बायोसिस के तरफ हमें लेके आ रहा था. और यही मैंने सुना आसपास कहीं फ्लेम यूनिवर्सिटी भी है. और ये आपको दुकानें नज़र आ रही है, एक पनवाड़ी भैया ने बहुत अच्छी बात बोली, कहते हैं सर, अब आपको दिखाता हूँ जो मैंने जलवा बोला. और बच्चे खड़े हैं, बच्चों के कई पेरेंट्स को देखना ले. ये देखिए पूरी मार्केट जिसे बोलते हैं, देखिए ये जो पूरी मार्केट है, इतने सारे रेस्टोरेंट्स हैं, ये सब के सब चलते हैं सिम्बायोसिस के बच्चों के दम पे. और सिम्बायोसिस के अंदर हॉस्टल और मेस भी होती है, राइट. तो उसके अलावा जो आपको एक चौपाटी जैसी चीज़ उन्होंने बोला कि सर, जो आप चौपाटी जैसा देख रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिम्बायोसिस के बच्चों के दम पे चल रहा है. सो जहाँ तक लोकेशन की बात है, एक्सीलेंट लोकेशन. आप ये मैं सोचेगा पूना से बाहर हो, जैसे मैंने कहा मेन सिटी पूना से, और इससे भी यहाँ ऑटो खड़े हैं. रात के 7:30-8 बज चुके हैं और ऐसा लगता है मुझे ये रात के 10-11 बजे तक रहते ही होंगे, नहीं तो ओला आ जाएगी. मैंने कहा ना कि सिर्फ आखिरी का 1 किलोमीटर था जहाँ रिलेटिवली मुझे थोड़ा सा सुनसान लगा, और उसी में मौसम का मिजाज बदल गया, मौसम बदल गया, और उससे पहले पूरी बनावट वो थी. तो लोकेशन वाइज नो प्रॉब्लम, ब्रांड वाइज नो प्रॉब्लम, अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लो आप, हिल जाओगे, नो प्रॉब्लम. तो फीस अभी ऑल नो, लोएस्ट फीस, वुमन कॉलेज, सब कुछ अच्छा है. तो क्या नेगेटिव बात है मेरे हिसाब से, एकमात्र से नेगेटिव बात यह है कि कॉलेज एंड हॉस्पिटल अभी 3 साल पहले स्टार्ट हुआ है, और दैट्स व्हाई आई एम एक्चुअली सरप्राइज लुकिंग एट द कट ऑफ. देखिए हॉस्पिटल अभी, मुझे लोगों ने बताया कि लोग आ रहे हैं, लेकिन उतना पॉपुलर नहीं है जितना कुछ और होते हैं. और देखिए, अगर फ़र्क 20 लाख रुपए का टोटल खर्चे का बिटवीन सिम्बायोसिस एंड कस्तूरबा, तो हमें कहाँ जाना चाहिए, दैट इज़ द क्वेश्चन मार्क. और मैं ज़्यादा हैरान हूँ सिम्बायोसिस कट ऑफ को देख के, कि वो इतनी ऊपर जो है. मैंने कहा ना कि अपने आप में बहुत अच्छा कर रहा है और शायद और 3-4 साल बाद बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल जो कट ऑफ ये ले रहा है 550 के आसपास जो कट ऑफ जा रही है, आई एम नॉट वेरी श्योर कि दैट इट इज़ डिज़र्विंग. और अगर कस्तूरबा के पैसे नहीं खर्च करने, तो भाई श्रीराम मूर्ति बरेली जैसा कॉलेज तो 72-73 लाख के पैकेज में मिल ही जाता है ना, जो कि शानदार कॉलेज है. आई एम श्योर कि पंजाब से तो बच्चे आ भी नहीं रहोगे जिन्हें वहाँ का स्टेट कोटा के डी एम सी लुधियाना वगैरह मिल रहा होगा, एम जी एम जयपुर मिल रहा होगा राजस्थान वालों को. मेरे को सिर्फ एकमात्र कंसर्न यही है कि कहीं हम लोग सिर्फ फीस के चक्कर में यहाँ तो नहीं बच्चे को भेज रहे. मैंने फिर से बोला माहौल वगैरह बहुत अच्छा था, आई एम श्योर सिम्बायोसिस का ब्रांड नेम ऐसा है कि क्लासेस भी लगाए रहे होंगे, और फीस उन्होंने कितनी कम रखी हुई है जानबूझ के, अदरवाइज़ दे कैन एनी टाइम इंक्रीज द फीस एंड गेट द स्टूडेंट्स. मुझे परमारी ने बताया कि अंदर दोनों तरह के हॉस्पिटल चल रहे हैं, चैरिटेबल भी और फी वाला भी, और चैरिटेबल की वजह से पेशेंट फ्लो बढ़ जाता है, बेसिक ऑटो भी. लेकिन इसकी लोकेशन, और बीच में एक सुस्त गाँव आया था जो मैंने आपको पहले 4-5 किलोमीटर का बताया, और सुस्त गाँव में भी बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, तो वहाँ जो अपार्टमेंट बिल्डिंग थी उनके लिए हॉस्पिटल हो गया. ये एरिया थोड़ा सा सुनसान हो जाएगा. मैंने बोला मेन पुणे शहर से तो बाहर हो ही गया,
और मेन पूना के अंदर भी अब दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल हैं, दुनिया भर के हॉस्पिटल्स हैं। और आजकल आपको पता ही है कि इंश्योरेंस का ज़माना है, तो जब तक कि आपका हॉस्पिटल इतना शानदार ना हो, जो शिना मूर्ति बरेली का है या कस्तूरबा के हैं, कि जो अपने अपने शहर के माने में अस्पताल हैं, ये वो नहीं है। सो देखिए, आई विल स्टिल गिव हिम गुड इन मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स, मे बी वेरी गुड इन फ्यू फैक्टर्स, बट माई ओनली कंसर्न इज डज इट डिजर्व द कट ऑफ विच इज़ गेटिंग। ये आपको सोचने की बात है कि क्या सिर्फ 15 लाख रुपये बचाने के चक्कर में तो नहीं आप अपने बच्चे को यहाँ भेज रहे। ओके, सो ये चौपाटी मैंने आपको दिखाई, जैसा मैंने कहा कि वो रोड जा रही थी अंदर, और उसके अंदर पूरी दुनिया बसती है, बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड थे। रात का टाइम है, मैंने कहा अगर मैंने अंदर वीडियो बनाने की कोशिश करी और किसी ने फरोख लिया, पकड़ लिया, तो खाम खाम में सारा मज़ा ख़राब हो जाएगा। हैव अ नाइस डे, और आई एम साइनिंग ऑफ फ्रॉम पुणे। 9643362320 आप जानते ही हैं, यही नंबर डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। मैं हर वीडियो के अंत में बोलता हूँ, हम टेलीकॉलिंग नहीं करते, और इस वजह से हम उम्मीद करते हैं कि आपसे चार्ज लेते हैं, हम सच्ची अच्छी जानकारी आपको देते हैं, और हमसे बात करने का भी पैसा लगता है, 2500 रुपये कॉल का, 5000 रुपये फेस टू फेस मीटिंग का मिनिमम। एंड देन जो भी हमारे काउंसलिंग पैकेज होते हैं आपके नंबरों के हिसाब से, आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, उसका जो वीडियो है वो भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, तो उसको ज़रूर देखिए और फिर कॉल कीजिए अगर आपको लगता है कि आपको अपनी काउंसलिंग ऑप्टिमल सीट पाने के लिए हमसे करानी है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।